चैप्टर 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इंडोर गेम और आउटडोर गेम का डिफरेंस, पर स्टिल देख लेते हैं थोड़ा आंसर ठीक लिखने के लिए। मोस्ट ऑफ द इंडोर गेम्स आर प्लेड बाय सिटिंग ऑन वन प्लेस, दे आर प्लेड इन एन क्लोज्ड एनवायरनमेंट। तो इंडोर गेम मोस्टली एक जगह पर बैठ के खेलते हैं और वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है। क्लोज्ड एनवायरनमेंट मतलब तुम एक ऐसा नहीं कि तुम ओपन एरिया में खेल रहे हो ना, क्लोज्ड एरिया होता है वहाँ पे तुम ये गेम को खेल रहे हो जो इंडोर गेम होता है। वही आउटडोर गेम तुम कहाँ खेलते हो, एक फील्ड में खेलते हो। सो आउटडोर गेम्स आर प्लेड ऑन अ फील्ड। इंडोर गेम्स रिक्वायर स्किल बट फिजिकल एक्सरसाइज इज नेग्लिजिबल। भाई इंडोर गेम्स में भी हमें स्किल्स तो चाहिए ही रहता है ना, लेकिन उसमें फिजिकल एक्सरसाइज रहता नहीं है। हालांकि आउटडोर गेम में क्या है, आउटडोर गेम्स नीड मोर फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्किल्स। तो आउटडोर गेम में भाई बहुत ज़्यादा फिजिकल स्किल्स भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए, है ना। आउटडोर गेम नीड्स मोर फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्किल्स, गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो, हॉकी, क्रिकेट एक्सेट्रा। तो इसमें बता रहा है कि भाई इंडोर गेम में तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज इतना चाहिए नहीं, लेकिन आउटडोर गेम में तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और इंडोर गेम में भी स्किल चाहिए और आउटडोर गेम में भी स्किल तो चाहिए ही चाहिए। एज देर इज़ नो एक्सर्शन इन इंडोर गेम्स, सो इट इज़ नॉट एसेंशियल टू डेवलप स्टेमिना। एक्सर्शन मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल ताकत लगाना। तो इतना ज़्यादा फिजिकल ताकत, इतना थकावट तो तुम्हें होगा नहीं इंडोर गेम में, है ना। इसलिए इतना स्टेमिना डेवलप करने की ज़रूरत इंडोर गेम में होता नहीं है, लेकिन आउटडोर गेम में भाई स्टेमिना की ज़रूरत होती है, क्योंकि रनिंग करना है, भागना है, दौड़ना है। इंडोर गेम में कहाँ कुछ भागना है। इंडोर गेम्स डू नॉट इन्वॉल्व एडवेंचर। तो भाई ऐसा कोई एडवेंचरस चीज़ तुमको नहीं मिलने वाला कि एकदम मज़ा ही आ जाए देख के, है ना। लेकिन आउटडोर गेम में तुम्हें एडवेंचर मिलता है, जैसे कि ऑटो रेसिंग। ऑटो रेसिंग मतलब रिक्शा वाली रेसिंग नहीं भाई, वो ऑटोमोबाइल होता है जिसमें बाइक और वो सब रेसिंग करते हैं ना, उसको हम कहते हैं आउटडोर गेम्स। एडवेंचर मतलब कुछ ऐसे करना है कि यार देख के ही तुम्हें बहुत ज़्यादा वो आ जाए कि अरे ये अलग ही चीज़ है तो वो इंडोर गेम में इतना एडवेंचर नहीं होता है, है ना। अलग अलग चीज़ें कि तुम्हें मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन आउटडोर गेम में तुम्हें मिलता है। और एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, ऑटो रेसिंग। इंडोर गेम्स इंक्लूड, है ना, तुम्हें पता ही होगा इंडोर गेम्स में आता है चेस, इंडियन लूडो, फिर भटुकली, प्लेइंग हाउस एंड मैनी मोर। तो चेस, लूडो, कैरम, ये सब किस में आ जाता है, इंडोर गेम्स में। और आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो आउटडोर गेम्स में एक तो नेशनल गेम है और एक इंटरनेशनल गेम है। जैसे नेशनल गेम में आ गया कि लगोरी, कबड्डी, खो खो, ये सब आ गया तुम्हारा नेशनल। और इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम चल रहा है वो मान लो कि क्रिकेट हो गया, और उसके अंदर फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वो सारी गेम्स। विद द एक्सेप्शन ऑफ चेस एंड कैरम, नो कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडोर गेम्स। तो भाई चेस और कैरम को छोड़ के बाकी किसी और भी गेम, किसी और गेम के लिए इतना वर्ल्ड वाइड या फिर कोई इतना बड़ा कंपटीशन होता नहीं है, लेकिन आउटडोर गेम्स में नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन लगभग हर जगह होता ही है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, सो कॉम्प्लेक्स मत करो। इंडोर गेम एक जगह बैठे खेलते हो, आउटडोर गेम को बाहर खेलते हो। इंडोर गेम के कुछ एग्जांपल देना, आउटडोर गेम के एग्जांपल देना, फिर बोलना इंडोर गेम में इतने स्टेमिना की ज़रूरत नहीं है। भाई बना आउटडोर गेम में स्टेमिना की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, इंडोर गेम में इतना एडवेंचर नहीं है, लेकिन आउटडोर गेम में होता है, ठीक है। बस एक बार इसको देखना, देख लेना और देख लेना कि भाई इंडोर गेम में खाली दो ही गेम बहुत कंपटीशन होता है, चेस और कैरम, और आउटडोर गेम्स में तो हर चीज़ का कंपटीशन होता ही होता है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें।